गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, आज मैं आपको डीजल इंजन के पार्ट के बारे में बताऊंगा। इससे पहले हम डीजल इंजन की वर्किंग के बारे में जानें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डीजल इंजन के पार्ट जो है वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला ये जो पार्ट है आपका, इसको बोलते हैं हम टैपेट कवर। ये आपका इस ऊपर वाले प्रॉपर शाफ्ट को जो है वो ढकने का काम करता है, और यहीं पे आपका ये फिलर कैप भी लगी हुई है जिससे हम ऑयल जो है इसके बीच में डालते हैं, इसको हम टैपेट कवर बोलते हैं। इसके बाद ये जो आपका पार्ट है इनको बोलते हैं हम रॉकर शाफ्ट, और ये आपके वाल्व लगे हुए हैं, स्प्रिंग लगे हुए हैं। उसके बाद ये जो रेड कलर में आपको जो पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं हम इंजेक्टर, और ये जो पाइपें इसके साथ में लगी हुई हैं इनको बोलते हैं हम हाई प्रेशर पाइप, और ये जो आपको पार्ट दिख रहा है पीले वाला इसको बोलते हैं हम FIP, और इसकी फुल फॉर्म होती है फ्यूल इंजेक्शन पंप। उसके बाद ये जो पार्ट है जहाँ पर आपको ये नीला कलर दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पार्ट को बोलते हैं हम सिलेंडर हेड। इसी के ऊपर जो है ये इंजेक्टर लगी होती हैं, वाल्व लगे होते हैं, रॉकर शाफ्ट लगी होती है, और नट बोल्ट के द्वारा ये टैपेट कवर भी जो है इसी के ऊपर फिट किया जाता है। और यहाँ पर आपके ये जो आपको रास्ते दिख रहे हैं, ये आपका इंजन जो है वो कट मॉडल में है, ये पानी के लिए रास्ते बने हुए हैं, और ये पानी के रास्ते जो है वो वाल्व के पास में, वाल्व का जो फेस होता है उसके इर्द गिर्द जो है वो पानी घूमता है और इसकी गर्मी को जो है वो बाहर ले जाता है। और साथ में हीटर प्लग भी इसी के बीच में लगे हुए हैं, ये आपके हीटर प्लग लगे हुए हैं। और इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये पार्ट है, इस जगह से लेकर इस जगह तक, इसको बोलते हैं हम सिलेंडर ब्लॉक। और इसी के बीच में जो है ये पिस्टन चलने के लिए जगह बनी होती है, और वाटर पंप लगने के लिए जगह बनी होती है, टाइमिंग गियर लगाने के लिए भी इसी के ऊपर जो है वो जगह बनी होती है। ये आपका पुली है, डैम्पर पुली भी बोल देते हैं इसको हम, और वाइब्रेशन डैम्पर भी बोल देते हैं। इसके साथ जो है वो वाटर पंप को चाल मिलती है और पानी जो है इसके बीच में सर्कुलेट होता है। ये भी आपके वाटर जैकेट्स हैं, यहाँ पर भी पानी घूमता है आपका, यहाँ पर भी पानी घूमता है, और यहाँ पर ये आपका ये जो चीज़ दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं हम पिस्टन। ये इस सिलेंडर के अंदर जो है अपने स्ट्रोक जो है वो पूरे करता है, और ये वाला पार्ट आपका आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का सिलेंडर ब्लॉक। और इसी हिस्से में आपकी ये जो क्रैंक शाफ्ट है जिसके साथ में ये कनेक्टिंग रॉड जुड़ी हुई है, इसको बोलते हैं हम क्रैंक शाफ्ट। ये पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को जो है रोटरी मोशन में जो है कन्वर्ट करती है। और इसके साथ में ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम ऑयल सम्प, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये नट बोल्ट के साथ जो है वो सिलेंडर ब्लॉक के साथ जुड़ा होता है, और यहाँ पर जो है इस जगह में जो है वो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो स्टोर रहता है। और इस सामने यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम, यहाँ पर आपका ड्रेन प्लग लगा रहता है, जब हमने ऑयल को चेंज करना होता है तो यहाँ से हम ऑयल को बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम सेल्फ स्टार्ट, इसकी सहायता से जो है वो फ्लाई व्हील में ये जो रिंग बना हुआ है, इस रिंग और एक रिंग ये जो दिख रहा है आपको इसके बीच में, इस रिंग की सहायता से जब हम सेल्फ को ऑन करते हैं तो ये रिंग जो है इस गियर के साथ मैश करता है और इस फ्लाई व्हील को घुमा देता है। अब फ्लाई व्हील जो है ये इसके क्रैंक शाफ्ट का जो रेयर फ्लेंज होता है उसके ऊपर 6 या 7 बोल्ट के सहायता से जो है वो टाइट किया जाता है, और ये आपका फ्लाई व्हील रिंग गियर है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, जब इसके टीथ ख़राब हो जाते हैं तो ये चेंज हो जाता है। और ये जो पार्ट है ये आपका फ्यूल फिल्टर,
तो ये जो है वो आपके फ्यूल को जो है वो क्लीन करता है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका एयर क्लीनर, ये आपकी एयर को जो है वो साफ करके जो है वो सिलेंडर के अंदर भेजता है। ये जो पार्ट है आपका, ये आपकी कैम शाफ्ट, इसके ऊपर ये जो लोब्स लगी हुई हैं और ये इसके ऊपर जो ये टैपेट है और इस टैपेट के ऊपर जो है ये पुश रॉड लगी रहती हैं। ये जो पुश रॉड है इनको बोलते हैं हम पुश रॉड। ये जो आपको लोहे की एक चीज़ दिख रही है इसको बोलते हैं हम पुश रॉड। यहाँ अंदर अंदर से इनके सुराख होते हैं और यहाँ पर निकली हुई है ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ गई हुई है और यहाँ जो है सीधी आपकी केम शाफ्ट के ऊपर जो है ये बैठी होती है, जिसको बोलते हैं हम टैपेट। टैपेट के ऊपर पुश रॉड और पुश रॉड जो है वो सीधी रॉकर के साथ जुड़ी होती है। तो जब हम ये केम शाफ्ट घूमती है तो पुश रॉड जो है वो ऊपर जाती है और वाल्व को खोल देती है। ये जो पार्ट है ग्रीन कलर का, इसको बोलते हैं हम फ्यूल पंप। इसका काम होता है डीजल टैंक से फ्यूल को खींच कर फिल्टर को सप्लाई करना, जो आपने दूसरी तरफ में देखा था। इसको चाल जो है वो इंजन की कैम शाफ्ट से मिलती है। ये बहुत पुराना मॉडल है, इसमें जो है वो फ्यूल पंप को भी चाल जो है वो इंजन की ही कैम शाफ्ट से मिलती है। ये रॉकर इसके साथ में लोब्स के साथ टच होती रहती है और रॉकर अप डाउन करके जो है वो सक्शन पैदा करता है, जिससे तेल जो है वो यहाँ इसके बीच में टंकी से खींच कर इसके अंदर आ जाता है और यहाँ से फ्यूल फिल्टर को सप्लाई किया जाता है। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। इससे जली हुई गैसें जो हैं वो बाहर निकलती हैं। और ये जो ग्रीन कलर का ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम इनलेट मैनिफोल्ड। जहाँ पर आपका एयर क्लीनर लगता है वो पार्ट जो है वो आपका इनलेट मैनिफोल्ड कहलाता है, और जहाँ से जली हुई गैसें बाहर निकलती हैं वो आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कहलाता है। ये थे आपके डीजल इंजन के सारे पार्ट, ठीक है। इससे अगले वीडियो में हम देखेंगे कि डीजल इंजन जो है वो कैसे काम करता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।